लेकिन कलकत्ता के कोठारी बंधु की घटना तो एक दर्दनाक घटना है। एक भाई भाई का जो प्रेम होता है वो वहां पर देखने को मिलता है कि देखने से आपकी भी छाती फट जाएगी, क्योंकि लाल कोठी का वो चौतरा था, चौतरे के ऊपर एक छोटी सी दीवार लगभग 2-2.5 फीट की बाउंड्री टाइप की बनी हुई थी, वहां एक भाई छिपा हुआ था और एक भाई दूसरे तरफ जाकर छिपा हुआ था। गोली एक भाई के सीने पर लगता है और हाय राम करके वो चिल्लाता है, जिस समय दूसरा भाई उसको झपट करके बचाने के लिए दौड़ता है, कोशिश करता है, उस समय उसको भी गोली मार दिया जाता है। एक भाई दूसरे भाई के ऊपर गिर पड़ता है और भाई भाई करते हुए दोनों का प्राण निकल जाता है। वो दर्दनाक मंजर हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अतीत के पन्ने जब जब पलटे जाएंगे तब तब राम भक्तों की वो यादें ताजा हो जाएंगी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरयू मैया ये गवाह हैं उन राम भक्तों के आंदोलन की। सरयू मैया उस खून की भी गवाह हैं जो खून की धारा सरयू मैया में बह जाती थी और लगातार ऐसा होता था कि सरयू मैया का रक्त भी लाल हो गया। बहुत सारी आंखों ने ये सारा कुछ देखा है। आज हम पहुंचे हैं सरयू मैया के तीरे, एकदम किनारे, हनुमान मंदिर के एकदम निकट पहुंचे हैं घाट पर। कृष्ण मुरारी जी हमें मिल गए और बहुत सारी राम मंदिर से जुड़ी हुई यादों को उन्होंने बताया और साझा किया। आप सब भी सुनेंगे तो आप सबकी भी आंखें आंसू से छलक उठेंगी। जिस दर्दनाक भयावह स्थिति का वो वर्णन करते हैं जब 90 में गोलियां चलाई गई थी। भले ही कृष्ण मुरारी हो ये, लेकिन राम जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उस आंदोलन के बारे में बताते हैं, जो जोश था, जो जुनून था और जो शहादत में यानी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो बलिदानी हुए थे, राम भक्तों की कहानी। सबसे बड़ी बात है कोठारी बंधुओं को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब उन पर गोलियां चलाई गई थी, कैसे एक भाई पे गोली लगी, दूसरा भाई बचाने गया और वो भी बलिदान हो गया इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राम मंदिर के लिए। तो आइए, कृष्ण मुरारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता है संवाद टीवी। बहुत सारी यादें जो उन्होंने अपने अंदर सजोए रखी है उन सब पर बात करते हैं। यहाँ आपकी आंखें भले ही आज सौम्य हो गई हों, लेकिन 90 के दशक की जो घटना थी उस घटना को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आया होगा, खून उतर आया होगा। 90 की घटना तो आज एक यादगार घटना बन गई है जो अपने जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो आज हमारे धन्य है, वो राम भक्त, आज उनके माता पिता जो आज हमारे शहीद राम भक्त शहीद हो गए, राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, प्राणों के ऊपर गोली की बाजी की दांत, अपने जान की बाजी लगा करके गोली को खाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि राम लला हम आए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का, ये हमारे भक्तों का जो नारा था उस समय देखने के योग्य था। और 90 की घटना अपनी आंखों से जो मैंने देखा, शायद वो व्यवस्था आज बॉर्डर पर हमारे मोदी सरकार ने किया है, जो 90 की घटना में हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या की गलियों को जगह जगह पर सील कर दिया, जो असलहा आज आपको यहाँ पर रामलला की सुरक्षा में नहीं दिखाई देगा, उस समय हमारे मुलायम सिंह ने वो व्यवस्था यहाँ हर गलियों में कर रखा था कि किसी भी तरफ से राम भक्त अयोध्या के अंदर घुस न पावे, चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया था। हमारे राम भक्त जो 3-3, 4-4 दिन पैदल हजारों किलोमीटर रास्ता तय करते हुए, रेल के पटरियों को रास्ता बनाते हुए, जंगल पहाड़ों को रास्ता बनाते हुए, हमारे लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या के सरजू नदी के माझा क्षेत्र में 2-2, 3-3 दिन भूखे रह करके अपने जीवन यापन को बिताते हुए 90 की घटना को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि भूखे प्यासे हमारे राम भक्त रामलला के मंदिर का दर्शन करने के लिए, विजय दिवस मनाने के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह ने चैलेंज किया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, कहा गया मार सके ना एक परिंदा जहां पर कोई पर, और भक्त चढ़ गए प्रेम भाव से शिखरन के ऊपर। ये हमारे राम भक्तों का जो नारा था, लोग तैर करके
नाव का सहारा लेकर के माझा क्षेत्र से पैदल चलते हुए हमारे राम भक्त जिस समय सन 1990 के पीरियड में 30 अक्टूबर के दिन विजय दिवस झंडा रोहण हुआ, वहां पर गोलीकांड हुआ। हमारा मकान रामलला मंदिर के पास में राम कोट बैरियर के पास स्थित है। उस समय हमने वो घटना देखा जब वहां पर विजय दिवस मनाया गया, राम जन्मभूमि बाबरी ढांचे के ऊपर हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ जो एक कलंक था, जो 1528 ईस्वी में बाबर बादशाह ने मंदिर को तोड़ करके 178,000 हिंदुओं के खून से गारा तैयार करके वहां पर बाबरी ढांचे का निर्माण कराया था, जो कि उसने कभी बाबरी ढांचा नहीं निर्माण हो पाया। उसकी भी एक ऐसी घटना है जिसकी आपके पास समय होगा, उसके भी बारे में हम आपको अवगत कराएंगे कि वहां पर कोई भी बाबरी ढांचा का निर्माण बाबर बादशाह ने नहीं करा पाया था। महीनों तक उसका काम चलता रहा, लेकिन उसने एक भी दीवार वहां पर नहीं खड़ा कर पाया, क्योंकि अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने शरीर का त्याग किया है सरयू नदी के अंदर में, उसी समय कलयुग के राजा हनुमान जी को बना करके गए हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं, इसीलिए इनका नाम हनुमानगढ़ी है। हनुमान का मतलब हुआ हनुमान जी, गढ़ का मतलब हुआ राज्य, इसीलिए आज इनका नाम हनुमानगढ़ी है। अयोध्या के राजा हनुमान जी माने जाते हैं। यदि आपने रामलला का दर्शन किया और हनुमान जी का दर्शन नहीं किया तो आपका दर्शन भी निष्फल माना जाता है, क्योंकि राम और माता जानकी प्रभु के हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। और सन 90 की घटना, आज जो ये सरयू नदी पर आप खड़े हैं, राम भक्तों के पुल के उस पार जिस समय रोका गया, हमारे राम भक्त इधर नहीं आ पा रहे थे, जो हजारों की संख्या में थे, उस समय हमारे हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी महाराज, जो अच्छे एक वाहन चालक हैं, उन्होंने एक सरकारी बस को जिसमें सैकड़ों साल राम भक्त नीचे और ऊपर बैठ करके बैरियर को तोड़ते हुए, जो सन 90 की घटना में ले जा करके रामलला के पास पहुंचाया है उन्होंने, और उस समय यहां पर जिस समय गोली कांड हुआ जिसमें हजारों राम भक्त इस पुल के ऊपर हमारे शहीद हो गए, जिनके बारे में हमको बताते हुए हमारी आत्मा रोती है, उनको शहीद हुए लाखों की हजारों की संख्या में लाशों को जो है सरयू नदी में डाला गया। कहा गया सरयू बहे दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कहिए, सरयू वेद बखानी है, जिनका वेदों में महिमा। कहते करते भगवान तुलसीदास जी, प्रभु तुलसीदास जी अपने मुखार बिंद से उनका वर्णन करते करते उनके आंखों में आंसू भर आता है। ऐसे माता की गोद में हमारे हजारों राम भक्तों को डाल दिया गया, जहां दूध की धारा बहनी चाहिए वहां खून की धारा देखने को मिलती है। हमारी आत्मा रोती है कि हम समझते हैं कि इनको क्यों लग गया गोली, हम लोग क्यों नहीं शहीद हुए, क्योंकि राम के लिए प्राण देना बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि जीते राम मरते राम, दुख में राम सुख में राम, हाय राम हाय राम कहते हुए शरीर से प्राण निकल जाता है। हम तो बहुत बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे माता पिता पूर्वजों का बहुत बड़ा पुण्य उदय है जो प्रभु राम की भूमि पर आज हमारा जन्म हुआ है। हम तो इनका अपने मुखारविंद से वर्णन नहीं कर सकते हैं कि किस जन्म का हमारे पूर्वजों का पुण्य था जो आज प्रभु राम की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। और सन 90 की ही घटना में कुमारी बंधु की बात, जो आपकी आंखों के सामने गोली लगी, कैसा वो दृश्य था, किस क्या क्या सीन था उस समय? उस समय की सीन तो हम आपको क्या बताएं, 90 की घटना के बाद जो मेरा मकान राम जन्मभूमि के पास था, दहशत के कारण हम लोग छोड़ करके हमारे नाना जी का मकान लाल कोठी शहीद गली मार्ग के सामने नाना जी का मकान था, हम लोग सब परिवार आ करके वहां पर पहुंचे, तो 2 नवंबर 1990 की यह घटना है जिस समय हमारे लगभग 4-5 हजार की संख्या में राम भक्त जो राम लला का दर्शन करने के लिए इच्छुक थे, और उस समय आपके जिसमें से 2-3 पुलिस वालों का नाम मुझे याद है कि मुस्लिम पुलिस वाले थे, जिनका नाम भुल्लर संपत उस्मान, ये लोग थे गोलियां चलाने में, क्योंकि हमारे नाना का भी मकान छप्पर का छत के ऊपर बना हुआ था, हम लोग छप्पर पे थे, चारों तरफ जंगला लगा हुआ था, और राम भक्त इच्छुक थे दर्शन करने के लिए। उनसे ये कहा गया कि मैं ऊपर से आदेश लेता हूँ, आप लोग बैठ करके यहाँ पर राम राम करिए।
हमने देखा कि हजारों की संख्या में रोड के ऊपर हमारे राम भक्त बैठ करके राम राम कर रहे थे और उनके और आगे और पीछे से चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया और घेरने के बाद आंसू गैस का गोला दाग दिया गया जिससे उनके आंखों में मिर्ची लगनी शुरू हो गई, देखना बंद हो गया और उस समय उन्होंने गोलियां चलाना चारों तरफ से शुरू कर दिया। हमारे नीचे नाना जी का जो है 8-10 कमरा था, लोग ताला तोड़ करके उसके अंदर प्राण बचाने के लिए घुस गए। लेकिन कलकत्ता के कोठारी बंधु की घटना तो एक दर्दनाक घटना है। एक भाई भाई का जो प्रेम होता है वो वहां पर देखने को मिलता है कि देखने से आपकी भी छाती फट जाएगी और आप कभी ऐसे वक्त में कभी मुलायम सिंह का नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लाल कोठी का चौतरा था, चौतरे के ऊपर एक छोटी सी दीवार लगभग 2-2.5 फीट की बाउंड्री टाइप की बनी हुई थी, वहां एक भाई छिपा हुआ था और एक भाई दूसरे तरफ जाकर छिपा हुआ था। गोली एक भाई के सीने पर लगता है और हाय राम करके वो चिल्लाता है, जिस समय दूसरा भाई उसको झपट करके बचाने के लिए दौड़ता है, कोशिश करता है, उस समय उसको भी गोली मार दिया जाता है। एक भाई दूसरे भाई के ऊपर गिर पड़ता है और भाई भाई करते हुए दोनों का प्राण निकल जाता है। वो दर्दनाक मंजर हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और लाल कोठी की गली नाली जिसको हम बोलते हैं, नालियों में जहां पानी और कचरा बहना चाहिए, जहां खून की धारा बहती थी, ये मंजर देखने में तो अपना आत्मा भी रोता है। धन्य है हमारे और राम भक्त, धन्य है कलकत्ता के दोनों कोठारी बंधु जो एक माँ के केवल दो ही संतान थे। उनकी माता अयोध्या के अंदर दर्शन करने आई, वो भी आंखों में आंसू लिए। उनका भी जवाब यही था कि हमारे तो दो ही पुत्र प्रभु ने दिया था, शायद 2-4 पुत्र और दिए होते तो भी मैं राम के लिए न्यौछावर कर देता। हम ऐसे माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके आत्मा को शांति मिले और आज खुशी का मौका आया है कि उनके आज आत्मा को भी शांति मिलेगा कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। धन्य है हमारे राम भक्त जिनके आज आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि सच्ची शांति आज प्राप्त हो रही है। मां सरयू के गोद में जिनकी आत्मा शहीद हो गई आज उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। जी, बहुत सारे राम भक्त ऐसे होंगे जो आगे बढ़ रहे होंगे एकदम बैरियर को तोड़ते हुए और उनकी कोशिश हो रही होगी कि इसी तरह से ढांचे पे पहुंचे और ढांचे को ढहा दें। मतलब उनका काम था कि हम राम के लिए आए हैं, यहीं पे समर्पित हो जाए, इसी धाम में अपना शरीर हो जाए, इससे बड़ा पुण्य काम नहीं होगा। ये तो बात सत्य है क्योंकि उनके जबान पर केवल एक ही नाम था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का, यही उनके दिल के अंदर में उनके आत्मा के अंदर से आवाज निकलती थी कि हम शहीद भले हो जाएं, लेकिन आज हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ कलंक 450 साल पुराना हम इसको ध्वस्त कर दें, हमारे राम लला आजाद हो जाएं। आज राम का जो मंदिर बन रहा है ये सच्ची श्रद्धांजलि आज आपको मिल रही है, हमें तो बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट हुआ है इस बात का कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो हमारे मंदिर के निर्माण से शुरू से जुड़े हुए जैसे हमारे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा जी, जिनको आज राम लला के बारे में, राम तो अमर है, सदियों से त्रेता द्वापर से चला आ रहा उनका नाम तो अमर है, नाम को काल ने भी नहीं खा सकते, लेकिन आज नाम को विश्व में विख्यात करने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, जिन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया, हिंदुओं की आस्था को जगाया, एक एक बच्चे को जगाया। लेकिन जब हमने फेसबुक पर के परसों हमने न्यूज सुना कि उनको अयोध्या आने से हमारे ट्रस्ट के चंपत राय जी मना कर रहे हैं, तो हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि आज उन्हीं की देन है कि आज भाजपा भाजपा हो गई है। नहीं, भाजपा को कौन जानता था, कोई नहीं भाजपा को जानता था, अरे लाल कृष्ण अडवाणी मुरली मनोहर जोशी की देन है जो आज भाजपा को जानती है। राम रथ यात्रा आज पैदल जो है लेकर के अयोध्या तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, और हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि उनको भी यहाँ राम लला के उद्घाटन में बुलाया जाए, यही उनकी सच्ची भक्ति का जीर्णोद्धार होगा, यही उनकी सच्ची भक्ति का आत्मा को शांति मिलेगा, ऐसा करना हमारे सरकार के लिए उचित और अच्छा और सर्व सम्मति से अच्छा होगा। तो आज सरयू की जलधारा यही बता रही है कि हाँ, वो स्वर्ण
या सुखद पल आया है जिस समय हमारे रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे। ये गवाह है 500 वर्षों के अतीत को संजोए हुए सरयू मैया कि हम सब की यात्रा ऐसी अनवरत चलती रहेगी और राम मंदिर का भव्य निर्माण होने के साथ ही देश नहीं दुनिया भर से लोग आएंगे और दर्शन कर पाएंगे। संवाद टीवी लगातार आप सबको राम जन्मभूमि से जुड़ी ही सभी यात्राओं के दर्शन कराता रहेगा, साथ ही ऐसे राम भक्तों की कहानी और कथाएं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जिससे आप सब 90 और 92 के दौर का दर्शन कर सकें, यानी अपनी आंखों से नहीं अपने अंतर्मन से।